दलितों के भारत बंद पर बीजेपी ने कौन सा प्लान बनाया है? दलित आंदोलन पर बीजेपी की चुप्पी में कौन सा राज छिपा है? एससी एसटी एक्ट को सख्त बनाने और दलितों के आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। इस मुद्दे पर न सिर्फ दलित संगठन बल्कि बीजेपी के सहयोगी भी सरकार पर दबाव बनाने में जुट गए हैं। ये सब कुछ ऐसे समय पर हो रहा है जब आगामी लोकसभा चुनाव में काफी कम वक्त बाकी है। शायद यही वजह है कि बीजेपी भी फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रही है। दरअसल 2 अप्रैल के बड़े विरोध प्रदर्शन के बाद ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा के बैनर तले एक बार फिर 9 अगस्त को भारत बंद की तैयारी की जा रही है। उधर केंद्र सरकार भी उनकी मांगों पर जवाब देने की तैयारी में है। इतना ही नहीं, सरकार ने बंद आयोजकों से बात के विकल्प भी खुले रखे हैं। लेकिन बीजेपी के लिए मुश्किल की बात ये है कि इस मुद्दे पर उसकी सहयोगी रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी भी मुखर हो गई है। एलजेपी ने तो दलितों से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अध्यादेश नहीं लाने और एनजीटी प्रमुख को पद से नहीं हटाने की सूरत में सड़क पर उतरने तक का ऐलान किया है। पार्टी ने इसको लेकर 9 अगस्त तक का अल्टीमेटम भी दे दिया है। एलजेपी के साथ साथ जेडीयू ने भी दलित एक्ट के कड़े प्रावधानों को अध्यादेश के जरिए बहाल करने की एलजेपी की मांग का समर्थन किया है। लेकिन दोनों ही मुद्दों पर बीजेपी ने फिलहाल चुप्पी साध ली है। बीजेपी सूत्रों की माने तो एनजीटी के चेयरमैन जस्टिस एके गोयल को हटाने की मांग पर बीजेपी का चुप्पी साधना एक रणनीति है, क्योंकि खुले तौर पर इसका समर्थन और विरोध करना खतरे को बुलावा देना होगा। वहीं अध्यादेश को लेकर भी पार्टी कुछ भी कहने से बच रही है। पार्टी के एक नेता की माने तो ये मोदी सरकार है जिसने एक्ट में संशोधन किया है और इसे ज्यादा कठोर बनाया है। हमारे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है, हम अपने विरोधियों के बिछाए जाल में नहीं फंसेंगे। पार्टी को लगता है कि दलितों की सारी मांगे माने जाने से दूसरे वर्ग के वोटर उनसे चिटक सकते हैं। यही वजह है कि बीजेपी इस मुद्दे पर फिलहाल कुछ भी खुलकर बोलने से बच रही है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।